आज जो बात कर रहे हैं, निर्मला जी ने चुनौती दी और भारत जी ने सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि तब तक मैं नई कहानी वाली चीज़ पूरी कर चुका था, आलोचना का संपादन 67 मैंने शुरू किया और यानी विधिवत कायदे से, क्योंकि स्थिति राजकमल का तो मैं एडवाइज़र होकर के आया था, तो लगभग वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 2 साल का था, वो ख़त्म हो गया। जनयुग से मैं यहाँ आया था, आया तो था जनयुग का संपादन करने के लिए,
बीच में राजकमल से ओम प्रकाश जब चले गए, शीला जी के हाथ में आए, तब उन्होंने पार्टी के जरिए कहलाया कि भाई हमको एक चाहिए, हमको तो कोई जानता नहीं है, हिंदी की दुनिया में हमारी विश्वसनीयता नहीं है, तो कोई आदमी दीजिए। तो मैं राजकमल गया, 65 की बात है, की बात और 65 से 67 तक मैंने सलाहकार वाला काम किया उनके यहाँ। आलोचना चौहान जी निकाल रहे थे और उनके साथ करार था कि 4 अंक स्वातंत्रोत्तर हिंदी हाँ, साहित्य के 4 अंक निकालेंगे, वो 4 खत्म हो गए। पूरा करने के बाद आपके हाँ, पास आ जाएगा उसके नहीं, बाद। इसके बाद उन्होंने आलोचना बंद कर बंद दी, कर दी थी। हाँ, बंद की थी बंद बिल्कुल कर जी। दी। हाँ जब बंद कर दी और सलाहकार वाला हमारा काम खत्म हो गया, तब उन्होंने कहा कि आप चाहें तो आलोचना का काम, मैं बुरिया बस्तर बात के मैं बनारस लौटने वाला था, तो तब तक इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं कहाँ जा रहे हैं, कुछ काम हो जाए मिल जाएगा, आप रुक जाइए। निर्मला जी ने कहा, शुभचिंतक मार्कंडे सिंह हमारे मित्र जो पुलिस अफसर थे वो थे, मैं रुक गया। शीला जी ने कहा कि आप आलोचना निकालिए, पैसा तो उतना नहीं है लेकिन निकालिए। तो दिल्ली का आकर्षण, रुक गया। उस समय जब आलोचना में करने का मतलब आलोचना में लिखना भी था, कुछ संवाद करता था मैं तो जी, सक्रियता के साथ, तो बात अब चुनौती की कर कहने रहे में जो थे। मैं बात लिखने वाली पर आ रहा हूँ, भारत जी साहित्य एकेडमी में सह सचिव थे, उप नहीं हुए थे, और हम लोगों की एक लड़ाई हम लोग हार चुके थे क्योंकि राही मासूम रजा को पुरस्कार नहीं मिला, एक मुक्तिबोध को नहीं मिल सका भारत जी के चाहते हुए भी, और पंडित जी जी ने मना कर दिया कि मैं गया यही कहने के लिए मुक्तिबोध को पुरस्कार के लिए। उन्होंने कहा, भाई कविता मैं समझ, नगेंद्र जी को रस सिद्धांत पर दिया पुरस्कार और मुक्तिबोध को पुरस्कार नहीं नहीं मिला, मिला। और मैं चंडीगढ़ गया था ये कहने के लिए। उनको भारत जी ने कहा कि जाके आप गुरुदेव को मना लें तो हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि भाई जो कह लो, हमारी जब समझ में नहीं आते है, तो मैं कैसे मुक्तिबोध को दे दूं। बहरहाल नहीं मिला, तो ये सारी निराशाएं सब कुछ थी। तो मैं तो जाने वाला था, जो इस जी करके तो बाद में बहुत आई, तो भारत जी ने कहा कि नामवर जी कभी आप ही ने चुनौती दोगे कि पुरस्कार नामवर जी को दिलवा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नामवर जी अगर किताब लिख दें, एक मुकम्मल किताब लग करके, तो मेरी जिम्मेदारी है कि पुरस्कार मिलेगा। अंतर कथा, भारत जी ने कहा कि अगर ये लिख देंगे, और कहा उन्होंने तो उसका मतलब है ना कभी लिखेंगे ना। उन्होंने जो लेकिन शर्त लगाई कि प्रसंगिक एक मुकम्मल किताब, निबंधों का संग्रह होगा रहे नहीं, एक पूरी किताब लिख करके दे दें, जो गंभीर पुस्तक आलोचना की पुस्तक हो, तब ये जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन ये पूरा कर दें। तब तक मैं मॉडल टाउन से आ गया था तिमारपुर, जी हाँ, सड़क निर्मला पार जानती हैं, रहते थे। और वो किताब पूरी हुई क्योंकि ये अपने डिलीट के लिए लिख रही थी किताब। तो ये हुआ कि निर्मला जी तो डिलीट वाला काम कर रही हैं, आप क्या घास खोद रहे हैं यहाँ, आप भी कुछ कीजिए। तो इनकी चुनौती, भारत जी की चुनौती, कविता के नए प्रतिमान, लगभग एक सुसंबद्ध पुस्तक है, वो निबंधों का संग्रह नहीं है, नए सिरे से लिखी गई है। योजना बना करके मैंने कविता के नए प्रतिमान की लिखी कि नई कविता पर लिखूंगा। उसके मूल में एक यह भी था कि गुरुदेव ने मुक्तिबोध को पुरस्कार नहीं दिया था, इसलिए उसका जवाब भी हो कि मुक्तिबोध कविता के केंद्र में है। और जो नए कवि हैं, उसमें धूमिल का भी जिक्र आता है, रघुवीर जी, सहाय रघुवीर का साहब को है, भी लेते थे। श्रीकांत हैं, श्रीकांत केदार जी भी हैं उसमें, जैसा होना चाहिए उतने वैसे नहीं हैं, क्योंकि प्रगीतात्मकता के विरुद्ध और लंबी कविता और आदि आदि जी जी चीज़ों को जी लेकर के हुआ, तब तक किताब जी में प्रगीतात्मकता ज़्यादा थी। खैर, तो वो किताब जो आप कह रही थी और आपने कहा कि जम करके क्यों नहीं लिखा, तो वो एक ये किताब तो पूरी एक सांस में लिखी हुई किताब है, जैसे तो छाया बाद कितने उसका साल जो पहले छपी उसमें जो वैचारिक खंड है, कितने साल पहले छपी? 67 में, सिक्सटी तो अब कितने साल इस हुए? तरह इस तरह वही तो नहीं, तो सदानुकूल ना। वही तो प्रश्न है ना डॉक्टर नहीं, साहब, से उत्पन्न नहीं 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 मैंने कहा ये नहीं, पुरस्कार महत्वपूर्ण नहीं था, चुनौती वो तो एक संयोग की बात है, ये कुछ पुरस्कार कह रहे महत्वपूर्ण नहीं नहीं वो तो अवसर से उद्भूत लेखन भी सुव्यवस्थित हो सकता है। इसका एक उदाहरण इतिहास और आलोचना के लेख भी है, वो ज्यादातर वो भी अवसर से उद्भूत है, लेकिन वो बहुत एक सुव्यवस्थित भी लगती है जो बाद में नहीं।
ये इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें जो पहला खंड है कविता के नए प्रतिमान में, जिसमें वैचारिक बहसें हैं, उसमें तो केंद्र में मुक्तिबोध हैं, बार बार आते हैं, क्योंकि मुक्तिबोध ने भी बहुत सारे प्रतिमान गढ़े और गद्य मुक्तिबोध ने कविता पर जो लिखा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपने उसको रेखांकित भी किया है। लेकिन जो रचना खंड है जहाँ आप प्रतिमान बनाते हैं अनुभूति की जटिलता और तनाव और इस तरह के, उसमें मुझे लगता है कि केंद्र में रघुवीर सहाय और श्रीकांत वर्मा ही हैं, क्योंकि वो इसलिए भी लगा कि उसमें 18 कवियों के उद्धरण हैं, केदार जी के मुश्किल से 2 या 3 हैं और मुक्तिबोध के 6 उद्धरण हैं सिर्फ, जबकि रघुवीर सहाय के 15 उद्धरण हैं उसमें और श्रीकांत वर्मा के 12 हैं, कुल कोटेशन ही को हम जो शाही भी होंगे शायद, हाँ शाही भी है, सब 14 है, कम है, शाही बहस में है, शाही का उद्धरण भी 4 या 5 है, मुक्तिबोध 6 है, नागार्जुन भी 3 या 4 बार उद्धृत हुए हैं, मतलब उद्धरणों का ही सिर्फ मैं अभी गिनती कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा उसमें 15 उद्धरण रघुवीर सहाय के और 12 उद्धरण श्रीकांत वर्मा के। नहीं देखिए तो उससे तो हमें यही लगता है, मेरा ख्याल ये कहें तो मैं निवेदन कर दी, वो पुस्तक एक तरह की पोलेमिक्स है और पोलेमिक्स का कारण यह है कि निर्मला जी से बेहतर कौन जानता होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग केंद्र था और नगेंद्र जी, बहुत सी गोष्ठियाँ होती थी, बहसें होती थी, विवादास्पद यानी और हमला था, क्योंकि जिस तरह के बाल स्वरूप राही वगैरह कवि को प्रोत्साहन नगेंद्र जी देते थे जिस प्रकार के, तो आप समझ लीजिए कि लगभग यानी वात्स्यायन और वात्स्यायन के साथ रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा कवियों की एक दुनिया थी, उसके बरक्स इस्टेब्लिशमेंट के रूप में तो नगेंद्र जी थे, वो समय ये लोग तो इस्टेब्लिशमेंट तो थे नहीं, बिल्कुल भिन्न एक। और दूसरा मोर्चा था इलाहाबाद का, परिमल लगभग अस्ताचल सूर्य था, क्योंकि भारती के जाने के बाद उतना सक्रिय नहीं रह गया था, विजय देवनारायण शाही ने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, तो वो प्रकाशित हुआ था नई कविता के रूप में। तो एक और हमारे परिमल या प्रयोगशील परंपरा वाले लोग और दूसरी ओर जो काव्यशास्त्र वाली परंपरा के थे, इसलिए जरूरत से ज्यादा बहस कविता के नए प्रतिमान में काव्यशास्त्र पर, समय रस सिद्धांत पर है। तो इन दो के बीच वो पोलेमिक्स था, उस पोलेमिक्स में जैसा कि मदन जी अभी कह रहे थे, अज्ञेय की असाध्य वीणा पर भी है उसमें, लेकिन उसमें भी यानी राजनीति या कूटनीति नहीं है, अपनी पसंद के अपने रुचि के कवियों में तो रघुवीर सहाय श्रीकांत थे हमारे, इन्हें की मित्र थे, बल्कि आत्महत्या के विरुद्ध वाली कविताएं उसी समय लिखी हुई थी। तो इसलिए उसमें यह था कि नई कविता में अज्ञेय वाली कविता नहीं, नई कविता के अंदर से रघुवीर श्रीकांत जो उभर रहे हैं, नई पीढ़ी के लोगों में धूमिल आ रहे हैं, या उसमें उसका है राजकमल चौधरी की, राजकमल चौधरी की भी चर्चा है, वो लंबी कविता का मैंने उसमें पहली बार जिक्र हुआ है, राजकमल चौधरी वाली कविता पर। नहीं, सवाल तो रसवाद और आधुनिकतावाद दोनों से टकराती है, टकराती है, और पहली बार ऐसा हुआ कि तो इसलिए वो योजनाबद्ध तरीके से पुस्तक लिखी हुई है, वो पुस्तक फुटकर लेखों का संग्रह, डॉक्टर साहब इसमें लेकिन और समय और समाज से जोड़ के आपने कविता को देखा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण था सकारात्मक। डॉक्टर साहब दो बातें होती हैं इससे निकलती हैं, एक तो ये कि कविता के नए प्रतिमान का प्रकाशन मेरा ख्याल है 67 या 68 में हुआ है, उसके बाद निर्मला जी का सवाल जस का तस खड़ा हुआ है, उसके बाद कई बरस बाद जाके दूसरी परंपरा की खोज, और उसमें भी ये प्रॉमिस था पाठक को कि यह अंतरिम रिपोर्ट है, और उस फाइनल रिपोर्ट का हम लोग आज तक इंतजार कर रहे हैं, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट दूसरी परंपरा की खोज है। तो एक तो वो सवाल जस का तस खड़ा हुआ है कि फोकस्ड व्यवस्थित चिंतन, जिसको आप स्वयं अवसर से उद्भूत चिंतन से अलग करके देखते हैं, एक तो वो, दूसरा एक बात तो इसी से जुड़े हुए मेरे मन में आती है कि कविता के नए प्रतिमान भी, कविता के नए प्रतिमान तो काफ़ी पॉलीमिकल है ही, दूसरी परंपरा की खोज भी पॉलीमिकल है, और उसमें तो पॉलीमिक्स प्रगतिशील खेमे के भीतर की पॉलीमिक्स भी है। मुझे बात बहुत रोचक लगती है डॉक्टर साहब मैडम कि संपादक के रूप में ये पॉलीमिकल एक्सक्लूजन जैसा कुछ नहीं करते, आलोचना के संपादक के रूप में ये मुझे बहुत रोचक लगता है कि संपादक के रूप में नामवर जी का एक अलग तरह का व्यक्तित्व आलोचना के इतने वर्षों में रेखांकित हुआ है, तो इन दोनों चीजों पर कुछ एक ही बताऊं
पहली चीज स्पष्टीकरण तो न रखिए, आलोचना की पूरी फाइल 1967 से ले करके नए को छोड़ दीजिए तो कुल 90 या 91 अंक जी, 67 से 91 92 91 हाँ, तो प्रायः हर अंक में मैं लिखता था। कुछ वो चलाया था संवाद, तो संवाद में तो लिखता ही था, चुने हुए विषय थे। कुछ लोगों की जन्मशतियाँ मनाई गई थी, रामचंद्र शुक्ल पर लिखा, मैथिली शरण गुप्त पर दो लेख मैंने लिखे हैं। तो लेख जो हैं, दूसरा काम ये किया कि विदेशी कवियों पर मैंने बहुत लिखा, पाब्लो नेरुदा पर लिखा, उस बीच में अलग उसकी किताब की भूमिका में रूप में छपा था, लोरका पर मैंने लिखा है, रूसी कविताओं पर लिखा है, बल्कि एक लेखमाला पब्लिश की है। तो ये ऐसा नहीं था कि मैंने लिखना बंद कर दिया था, उस क्रम में उन्हीं में से कुछ चुनकर के वाद विवाद संवाद में लिख दी है मैंने, उन्हीं में से एक तरह के दिए थे, कुछ चीज को छोड़ दिया है मैंने। उसमें व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई किताब 1982 में छपी है, द्विवेदी जी जब नहीं रहे तो मेरे मन में था कि उन पर मुझे एक लिखना है। उसके कुछ द्विवेदी जी पर मैंने 3 निबंध लिखे थे पूर्वाग्रह में छपे, जो अशोक जी ने संकलित बाद में किया है, उसको शामिल इसमें नहीं किया मैंने। ये आइडिया मेरे मन में आया कि पूरी बहस उसका मूल सूत्र कविता के नए प्रतिमान में है, कि नई कविता के बरक समानांतर दूसरी कविता चल रही थी, रघुवीर सहाय नई कविता में नहीं आते, यानी मेरी अपनी जो समझ है, श्रीकांत नहीं आते नई कविता, जो नई कविता गे ने शुरू की थी, तार सप्तकों वाली कविता जो थी जी, उस कविता से अलग हट करके कविता की एक परंपरा थी। तो मुझे बार बार लगा कि केवल कविता में ही नहीं है, बल्कि एक समानांतर धारा, और उस समय राजनीति में विकल्प की बात की जा रही थी ना, तो साहित्य में विकल्प या दूसरी धारा जिसको कहें, जिसे मैंने दूसरी परंपरा कहा, इसकी एक आदमी को केंद्र बना करके, वो ध्यान में तो थी दूसरी परंपरा हर क्षेत्र में है, उपन्यासों में भी है, कहानी में है, कविता में है, साहित्य में है, संस्कृति के क्षेत्र में है, तो उस समय मैंने उसको उसका एक रूप पंडित जी के बहाने मैंने व्यवस्थित रूप में लिखी। और ये दूसरी परंपरा शब्द आपने स्वयं लिखा है, ये क्या गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का दिया हुआ था? नहीं, ये कहाँ से? ये आमतौर से परंपरा लोग ज्यादा कहते थे, तो मैंने दूसरी अन्य के अर्थ में कहा, ये सेकंड ट्रेडिशन नहीं है, अदर ट्रेडिशन, अदर के अर्थ में, मेरे अदर आप ही का दिया हुआ, मेरा दिया हुआ इस प्रसंग में, आप ही का दिया। और कहीं एक नई कविता का एक बड़ा क्रिटिक मुक्तिबोध भी कर चुके थे, मुक्तिबोध प्रस्तुत कर चुके थे, और तार सप्तक और यहाँ तक तीसरा सप्तक पर भी उनकी समीक्षा है, तो क्या आपको मुक्तिबोध के औजारों की ओर आप गए? मतलब ऐसा था मंगलेश जी कि मुक्तिबोध से पत्र व्यवहार तो मेरा जब मैं बनारस में था तभी से था, और उनसे मुलाकात भी हमारी हो चुकी थी मुक्तिबोध से। बनारस में नहीं? नहीं नहीं, हुई थी बनारस में थी। मेरी पहली मुलाकात मुक्तिबोध से 1946 में हुई, प्रेमचंद की जयंती मनाई गई थी, मुक्तिबोध आए थे। यूँ मुझे याद है कि हंस में बहुत ही लड़ाई का जमाना था, तो बड़े रद्दी कागज पर एक हंस छपा है, उसमें बबूल शीर्षक मुक्तिबोध की एक कविता छपी है, उसमें मेरी कविता भी छपी है। तो पहली बार मुक्तिबोध को मैंने प्रेमचंद जयंती में आए हुए थे लंबे, और चूंकि त्रिलोचन जी से सुनता रहता था मुक्तिबोध के बारे में, और ज्यादातर मुक्तिबोध का बड़ा अवमूल्यन करके त्रिलोचन जी बताया करते थे, कहते थे कि मैं तो हंस का संपादक था और ये जो थे वो प्रूफ रीडर बाइंडिंग देखते थे मुक्तिबोध के, कहते थे, पता नहीं सच्चाई क्या थी। तो बहुत दिनों बाद आए थे मुक्तिबोध, तो उनसे मुलाकात हुई थी और ज़्यादा बातचीत हमारी उसमें हो नहीं पाई थी। वो सिलसिला बाद में चला, मुक्तिबोध नहीं चला जब वो नागपुर चले गए थे,
और मुक्तिबोध से संबंध जोड़ा हमसे सच पूछे जब पूछ ही रहे हैं तो नरेश मेहता ने, ये नागपुर रेडियो में थे नरेश जी, और नरेश जी नितांत कलावादी आदमी थे, जब पढ़ थे बनारस में, बहुत लंबे वैसे बाल तो तब भी थे उनके, और थके गगन में ऊषा गान गाने वाले वैदिक ऋचाएं गाते थे वो। नागपुर से जब लौटे तो वो आर्मी वाला कोट पहने हुए, सर्दियों के दिन थे, बारिश हो रही थी, गोविंद राज में आए थे ये, और 48-49 की बात होगी। उन्होंने मुक्तिबोध के बारे में बताया कि मुक्तिबोध नागपुर छोड़, मैंने छोड़ दिया, मुक्तिबोध ने छोड़ दिया, और वो जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं, एमए की परीक्षा वो देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना एमए की ये नौकरी नहीं मिलेगी। तो मुक्तिबोध से संबंध नरेश मेहता ने जोड़ा जी मुझे, फिर हमारा उनका पत्र व्यवहार होने लगा, और मुक्तिबोध की से मुलाकात, फिर अच्छी मुलाकात मेरी भोपाल में हुई। प्रश्न तो मेरा नामवर जी वही जस का है। जस का है। कौन सा? मैंने कौन सा? नहीं अभी तो मंगलेश नहीं, आपने तो बाद में आपका पहले पूछा था, मंगलेश जी क्या पूछना चाहते थे मैं भूल गया। नहीं वो मुक्तिबोध ने नई कविता का जो क्रिटिक पेश किया था, इसलिए जो मुक्तिबोध ने जहाँ तक मुझे मालूम है नई कविता का आत्मसंघर्ष, उनके लेखों का संग्रह, ये बाद में छपा है। निबंध छप चुका था पहले, निबंध तो पहले छपा था, निबंध सब छपे हुए, सब छपे हुए, नहीं नहीं छपे नहीं, सही कह रहे हैं, छपे तो थे, पुस्तक बाद में छपी है, क्योंकि उसकी पहली कॉपी मेरे पास है, और त्रिलोचन जी ने बहैसियत प्रूफ रीडर मुझे भेंट की थी, वो मुद्रण उसका हुआ है बनारस में, उसके पहले उनकी पुस्तक आ चुकी थी कामायनी वाली, कामायनी, क्योंकि कामायनी की दो निबंध हंस में बहुत पहले छप चुके थे, जब वो थे 40 के दशक में थे तब वो छप चुके थे, जिन लेखों का पहली बार मैंने जिक्र किया है कामायनी पर लिखे मुक्तिबोध के निबंधों का। उसके बाद मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष तो बात का है, आप जो कह रहे थे कि मुक्तिबोध की कविता के प्रति एक लगाव तो था ही, क्योंकि कवि नाम की पत्रिका विष्णु चंद्र शर्मा ने जो निकाली तो मैंने मुक्तिबोध को पत्र लेकर के कविता मंगवाई थी, मेरा ख्याल है और पहला ब्रह्मराक्षस कविता पहला, मैंने सीरियस पहली बार मैंने ब्रह्मराक्षस कविता छापी थी, उसमें कवि में छपी थी, और उस पर एक नोट मैंने लिखा था मुक्तिबोध पर, मुक्तिबोध पर जो पहला नोट मैंने लिखा था वो कवि में लिखा था, ब्रह्मराक्षस ब्रह्मराक्षस आप ही लाए थे कविता, मैं ले, लेकिन यहाँ एक बात जोड़ लूँ, इसलिए मुक्तिबोध को मैं बनारस रहते हुए उन दिनों से उनके काव्य सिद्धांत, काव्य दृष्टि, आलोचनात्मक दृष्टि से लगाव मुक्तिबोध से तो तब का था। बंधुवर एक छोटी सी बात, चूंकि मुक्तिबोध की बात हो रही है, मुक्तिबोध के एक अनन्य मित्र थे शमशेर जी, दो कविताएं आप इलाहाबाद से लाए थे थोड़े अंतराल पे, ब्रह्मराक्षस और उसके बाद या उससे पहले याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, टूटी हुई बिखरी शमशेर की, जिसको कविता नहीं कहते थे। लेकिन ऐसा कुछ लोगों का अनुमान है बल्कि अनुभव है पढ़ के कि शमशेर का सबसे कम उल्लेख है कविता के नए प्रतिमान में, ऐसा कैसे हुआ? आप कह रहे हैं तो मैं सोचूंगा, है तो कविताएं भी उनकी उद्धृत है, तो नागार्जुन जी का भी नहीं है शायद, है बहुत है नागार्जुन, बहुत है, दो या तीन उद्धरण नागार्जुन के हैं, शमशेर के भी वही पांच उद्धरण, पांच शमशेर रघुवीर जी पर या श्रीकांत जी पर मुक्तिबोध पर अलग अलग लेख हैं, लेकिन ऐसा इनमें से किसी प्रगतिशील अलग अलग लेख तो सिर्फ मुक्तिबोध पर ऐसा है। देखिए इन कवियों के बारे में त्रिलोचन पर दो लेख मैंने लिखे हैं, और नागार्जुन का पूरा विशेषांक आलोचना का निकाला, उसमें लेख लिखा है, नागार्जुन के कविताओं का पेपरबैक जो संस्करण निकला उसकी मैंने भूमिका लिखी है, और केदारनाथ अग्रवाल जब हंस मैंने आलोचना निकाली तो पहले ही अंक में त्रिलो शमशेर जी से लिखवाया मैंने, आग्रह करके फूल नहीं रंग बोलते हैं कि लंबी समीक्षा लिखवा करके मैंने छापी थी, इसलिए केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर और किसका और नाम लिया मैंने, शमशेर और केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और शमशेर, इन लोगों के बारे में
ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन ये मतलब, लेकिन ये जो कविता के नए प्रतिमान में नहीं है, तो मेरा मतलब कविता के नए प्रतिमान को मैं एक ऐसी आलोचना पुस्तक के रूप में देखता हूँ जो कि उस समय जो नई कविता के जो कवि आपके अनुसार नई कविता की संवेदनात्मक और वैचारिक अवधारणा में नहीं आते हैं, और जो कि उससे आप उनकी परंपरा को अलग करते हैं कि ये लोग नई कविता ही कभी नहीं है, जिसको कि मुक्तिबोध कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिस कविता में स्थानांतरगामी प्रवृत्ति नहीं है वो नई कविता का क्रिटिक इसी तरह पेश करते हैं कि इस कविता में स्थानांतरगामी प्रवृत्ति नहीं है। आप शायद स्थानांतरगामी प्रवृत्ति जिन कवियों में है उनको आप अलग करते हैं कि ये लोग नई कविता की जो मुख्य धारा है उसमें ये लोग नहीं है, इसलिए ये लोग एक दूसरी परंपरा में जो आते हैं। तो एक बड़ा काम अलगाने का और एक नई क्षीर विवेक का जो काम है, आलोचना का जो काम होता है, तो वो एक पुनर्मूल्यांकन करती है शायद नई कविता का। जहां तक इन कवियों का सवाल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नाम की जो मेरी पुस्तक है जो 1954 के आसपास की है, उस पुस्तक में प्रयोगवाद पर लेख अलग है, प्रगतिवाद पर लेख अलग है, और प्रगतिवाद वाले लेखों में उस समय उनकी माझी न बजाओ बंसी केदारनाथ की कविता उद्धृत की है, बल्कि वो किताब के रूप में नहीं छपी थी, आए थे तो मैंने ले लिया था, शमशेर की कविताएं उसमें उद्धृत है, नागार्जुन की हैं, प्रगतिशील कविता का जहाँ प्रगतिशील साहित्य का जहाँ जिक्र किया उसमें सबसे इन्हीं लोगों का है, प्रयोगवाद से अलग किया है। ये समझ थी हमारी कि नई कविता के अंदर भी नई कविता एक नहीं है, उसमें भी अलगाव है, और ये धीरे धीरे स्पष्ट हो गया था जब तीसरा सप्तक निकला है, तो तीसरा सप्तक निकलते निकलते, क्योंकि आखिर में सच पूछे तो आत्महत्या के विरुद्ध ब्रेक है अज्ञे से अलग होने का, और श्रीकांत जी ने जो कृति निकाला था तो कृति ने एक तरह से अज्ञेयवादी साहित्य उसके बरक्स निकाला था, तो एक विकल्प और दूसरी परंपरा की चीज़ जो थी वो कविता में ही बन रही थी, बाकी चीज़ों में थी, और लिखते समय मेरे ध्यान में यही चीज़ थी कि उसे अलग करना चाहिए। और वैसे भी आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके सबसे प्रिय कवि शमशेर हैं। हाँ, तो लेकिन इस दृष्टि से तो माना जाए कि शमशेर पर उतना ज़्यादा आपने नहीं लिखा प्रिय रहने के बावजूद। मैं जो कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही बात थी, बहरहाल इससे हम चले आगे। मेरा ख्याल है कि एक आरोप आप पर और बहुत लगाया जाता है अक्सर, कि वैसे आपने खुद भी कहा वाद विवाद संवाद में कि आपके निबंधों में वैचारिक असंगतियां मिल सकती हैं, तो जाहिर है बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये एक आरोप बराबर आपके ऊपर लगाया जाता रहा है कि आलोचना की एक तरह की वाचिक परंपरा पूरी आपने एस्टेब्लिश की, लेकिन प्राय लोग कहते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि मदन कश्यप ने, कि आपने कहा कि शमशेर आपके बहुत प्रिय कवि हैं लेकिन बाद में शमशेर पर कुछ बहुत लिखा नहीं, उस तरह से प्राय ये लोग कहते हैं कि ये अक्सर होता है कि एक बात को आप एक बार कहते हैं और बहुत जल्दी उसकी विरोधी बात आपके वक्तव्यों में सामने आ जाती, क्या ये मतलब ये वही पोलेमिकल बने नहीं, रहने नहीं, का आग्रह नहीं पोलेमिकल या ये भूल जाते हैं आपके पहले इसे वैचारिक विकास के रूप में देखा या वैचारिक विकास है नहीं, मैं विकास और ह्रास तो मैं नहीं कहूँगा, इसकी प्रकृति की बात कहूँगा कि दृढ़ विश्वास और आस्था का दौर एक था जिसमें आप वेद वाक्य समझते थे अपनी बात को, साहित्य में कोई लोग सिद्धांतवादी लोग थे, जिस दौर में मेरा मैंने निर्माण हुआ मानसिक बौद्धिक पढ़ते लिखते सोचते हुए, उधेड़ बुन जिसे कहते हैं, तो साहित्य में आमतौर से हम निष्कर्षवादी साहित्य को बहुत ऊंचा साहित्य नहीं मानते हैं, उपन्यास में निष्कर्ष निकाल दिया, कविता कोई निष्कर्ष निकाल दे तो निष्कर्षवादी साहित्य कोई बहुत बड़ा होता हो जरूरी नहीं है।